हेलो, वेलकम टू द सी प्रोग्राम कोर्स। लास्ट लेक्चर हमारे इफ एल्स का, ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। इसमें हम लोग इफ एल्स का 4 क्वेश्चन करेंगे कैरेक्टर का। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट इज सी प्रोग्राम चेक हर द कैरेक्टर इज अल्फाबेट नॉट। क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा, कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का प्रोग्राम देखना पड़ेगा जिसमें चेक करवा का एक कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर जो होगा, जो कैरेक्टर वो अल्फाबेट होगा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कैरेक्टर अल्फाबेट हो सकते हैं या तो नॉट हो सकते, दोनों में कोई एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहले आउटपुट सोचो, फर्स्ट थिंकिंग आउटपुट। हम लोग प्रोग्राम अगर हो गया तो क्या आउटपुट होगा? पहले तो एंटर कैरेक्टर होगा, एंटर एक कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर एंटर किया, सपोज ए, ए क्या अल्फाबेट है तो पिन क्या करेगा? अल्फाबेट, ठीक है। कैरेक्टर इज अल्फाबेट और सिम ओनली यू कैन राइट अल्फाबेट। अगर मैंने पिन एंटर किया, सपोज वन, वन अल्फाबेट है नहीं है तो पिन क्या नॉट अल्फाबेट। इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं सकता अल्फाबेट पिन क्या भी नॉट अल्फाबेट नहीं हो सकते, हो सकते अल्फाबेट या नॉट अल्फाबेट। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी अल्फाबेट पिन होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता अल्फाबेट नहीं पिन का। तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? इफ एल्स, ठीक है। तो राइट प्रोग्राम, हम लोग आउटपुट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम रन करेंगे। इतना बेसिक कोड इतना होता है, ठीक है। प्रिंट टिप इतना तो लिखना ही पड़ेगा, एंटर ए कैरेक्टर, और कैरेक्टर इनपुट करना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा? पर्सन सी, फिर एक वेरिएबल चाहिए, मैंने नाम दिया सेज वेरिएबल। अब सेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, अब डिक्लेयर कर दो, हो गया। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इफ प्रिंट एल्स प्रिंट नॉट अल्फाबेट, ना लेट्स सी द कंडीशन। अल्फाबेट कौन से होते हैं? एक दो, एक लोअर केस वाला हो सकते हैं, लोअर केस, दूसरा अपर केस, ठीक है। लोअर केस का स्टार्टिंग कौन सा है? ए टू जेड, ठीक है। अपर केस का भी ए टू जेड ही होगा, लेकिन ए का 80 कैरेक्टर कितना है? 97। फिर इसके अंदर ही बी का कितना होता है? 98, मैंने आज के पहले बोल दिया था, ठीक है। फिर जेड का कितना था? 120, 97 प्लस 32 कर दो, सॉरी 25 कर दो, 122, ठीक है। अपर केस का कितना है? 65, और फिर जेड का कितना था? 90, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब 97 से लेके 122 तक जितना आज के कटा, किसका बीच में कौन सा रहेगा? कैरेक्टर रहेगा, अल्फाबेट रहेगा। तो मैं इसका बीच में देखो, 65 से 90 तक क्या होता है? बीच में अल्फाबेट होते, मैं लिख से दो कैरेक्टर जो सी है ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ठीक है। एंड सी लेस देन इक्वल टू अगर 19 हुआ तो अल्फाबेट होगा। ये कौन सा ला? अपर केस। फिर और एक पॉसिबिलिटी है, मेरा अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है। लोअर केस वाला क्या? सी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, 97 एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 122। आई कंडीशन टू हुआ, इरेज कर दे इसको। दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो गया इस दोनों में से तो अल्फाबेट हुआ, प्रिंट अल्फाबेट, नहीं तो अल्फाबेट नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आया, क्योंकि 65 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ए का आज के वैल्यू कितना था? 65, 65 से स्टार्टिंग होते हैं और कितना तक? जेड तक। जेड कितना? 90। तो इसका बीच में कौन रहता है? अल्फाबेट, ठीक है। देखो पहले जो सी एच है ना, सी एच मैंने कोई कैरेक्टर लिया, सपोज बी लिया, तो सी एच कैसे कंपेयर कर? तुम कोई सोचोगे यहाँ पे सी एच बी सी एच है, ठीक है, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे 65 इंटीजर है, तो कैरेक्टर का आज की वैल्यू होता है ना, बी का आज की वैल्यू कितना होता है? 66 लेस देन 65, यस, ग्रेटर देन 65, ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90, यस। तो इसका बीच में है, तो इसका बीच में मतलब कि अपर केस से
ठीक है। तो पहले कंडीशन आ गया, इस कंडीशन से पिन कर सकते और तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ए का मतलब कि 65 ही होगा, एंड सेज लेस देन इक्वल टू जेड, ठीक है। अगर ए वाला पार्ट हो गया, ये तो क्या अपर केस हो गया। अब लोअर केस भी देखना पड़ेगा, कोई दोनों में एक टू हो गया तो टू ही होगा ना, कितना होगा ए एंड सेज लेस देन इक्वल टू जेड, और दोनों में कोई एक ट्रू हो गया तो अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट दो पॉसिबिलिटी है, लोअर केस अपर केस, नहीं तो नॉट अल्फाबेट। लेट्स राइट द कोड, पहले सेज एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड, पहले हम लोग अपर केस हैंडल कर ले, अब लोअर केस सेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सेज लेस देन इक्वल टू जेड, तो हो गया कोड। लेट्स रन, चेक अल्फाबेट और नॉट, इट टेक टाइम। एंटर करो, ए अल्फाबेट है, ठीक है। एंटर करो, वन अल्फाबेट नहीं, नॉट अल्फाबेट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए सी प्रोग्राम इनपुट इन अल्फाबेट, हम लोग को इनपुट में क्या है अल्फाबेट लेना है, ठीक है, एंड चेक व्हेदर इट्स वॉयल और कॉन्सोनेंट। पहले वॉयल कितना होता है, ए ई आई ओ यू, मुझे पहले बात इन आउटपुट देखो, आउटपुट पहले, ठीक है, आउटपुट समझो। प्रोग्राम में क्या होना, हम लोग को एंटर करना है, क्या एंटर ए क्या है अल्फाबेट, शायद मैंने एंटर कर ए, ठीक है, तो ये क्या होगा वॉयल। अगर मैंने एंटर कर दिया शायद ए के जगह जी, तो क्या होगा कॉन्सोनेंट। इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वॉयल, नहीं तो कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखो वॉयल कौन से होते, ए ई आई ओ यू, शायद मैंने कैरेक्टर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर सी, सी एच में क्या इनपुट है, अगर सी एच इक्वल टू ए हुआ तो मतलब क्या वॉयल हो सक, ठीक है, और हो सकते हैं ए बी सी सी इक्वल टू ए, इन पांचों में कोई एक पॉसिबिलिटी होगा तभी फाइल, तभी भी फाइल ले सकते हैं, हो सकता है ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कोई एक अगर टू होता टू, ठीक, ऑर्डर कोड लगा दो तो हो गया ना कोड, ऐसे लिख दो अगर टू होता टू, ठीक है, कोई एक टू होगा तो फाइल। तो पहले इनपुट लेना पड़ेगा एक अल्फाबेट कार्ड से, एंटर अल्फाबेट, ठीक है, मैंने पहले बोल दिया अल्फाबेट एंटर करना है, ठीक है, अल्फाबेट के अलावा कुछ और मत एंटर करना है। इसका नाम परसेंट सी एम परसेंट सी, फिर इफ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होता प्रिंट इफ वॉयल एल्स प्रिंट इफ कॉन्सोनेंट, तो भाई में क्या सेज इक्वल इक्वल टू ए हुआ, सेज इक्वल इक्वल टू, फिर क्या होगा ई, फिर सेज इक्वल इक्वल टू आई, सेज इक्वल इक्वल टू ओ, सेज इक्वल इक्वल टू यू, ठीक है, पांच फाइल। एक कौन सा वाला फाइल है लोअर केस, अब अपर केस को लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेम चीज फॉर अकर अपर केस, फिर से लिखो फॉर अपर केस, ये तो लोअर केस हो गया ना, कोई एंटर अपर केस कैरेक्टर भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अपर केस क्या है ए
सेव करो, चेक वॉयल एंड रन, कोई एक वॉयल है ठीक है, दूसरा कोई लेटर लो डी कॉन्सोनेंट। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इज सुपर इनपुट इन ए कैरेक्टर, तो हम लोग कितना इनपुट, एक कैरेक्टर इनपुट लेना पड़ेगा ठीक है। तो हम लोग कोड देख के लिख लो, सेज पेंटिफ एंटर ए कैरेक्टर, पहले तो हमने इनपुट ले लिया ठीक है, कैरेक्टर के लिए पर्सन से एम पर्सन से। अब क्या चेक इट इज अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर ठीक है, तो कंडीशन में क्या हो सकता है, पहले एंटर ए कैरेक्टर, साथ में कैरेक्टर का ए, तो पिन का अल्फाबेट, अगर मैंने इनपुट किया वन तो प्रिंट क्या करेगा डिजिट, वन डिजिट होता है ना नंबर, अगर मैंने प्रिंट तो क्या करेगा स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल कुछ भी लिख सकते हो स्पेशल कैरेक्टर ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकते, हो सकता है अल्फाबेट या डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर, और तीनों में कोई एक पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोला इफ, उसके बाद एल्स इफ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई फिर एल्स ठीक है। लेट्स राइट कोड, हम लोग आउटपुट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कोड करेंगे ठीक है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो प्रिंट इफ अल्फाबेट, अगर नहीं हुआ तो एल्स इफ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या प्रिंट इफ डिजिट, और नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट इफ स्पेशल सिंबल कैरेक्टर कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले बात अल्फाबेट चेकिंग, मैंने तो अल्फाबेट चेकिंग के लिए कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर दो, जस्ट कुछ नहीं करा, फर्स्ट अल्फाबेट का जो कंडीशन है तो ये वाला कंडीशन होगा अपर केस लोअर केस, जस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट द कोड ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट, डिजिट कौन सा है, जीरो से लेकर नाइन तक है, जीरो जीरो का आखिरी कैरेक्टर 48 होता है, फिर क्या वन होते है, फिर टू फिर थ्री फिर फोर ऐसे थे नाइन ठीक है, कितना है इसका 57 सिक्वेंशियल है, एक एक के बाद दूसरा है, तुम सी इज ग्रेटर देन ठीक है, तुम ऐसे 48 एंड से इज लेस देन इक्वल टू कितना 57 यू कैन राइट दिस ठीक है, और तुम इसे सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड से इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू नाइन तो भी होगा ठीक है, क्योंकि जीरो का आज की वैल्यू 48 है, नाइन का 57 तो इसका भी आ गया कोड से इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड से इज लेस देन इक्वल टू नाइन तो डिजिट हो गया। अगर अगर मेरा अल्फाबेट नहीं होता डिजिट नहीं होता तो ऑटोमेटिक स्पेशल सिंबल प्रिंट हो जाएगा आंसर में ठीक, अल्फाबेट डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। और एक क्वेश्चन लेफ्ट है, कोई भी एंटर करो वन टू टू क्या डिजिट है, एंटर करो स्पेशल सिंबल, चलो अल्फाबेट भी एंटर कर लो, एंटर ए अल्फाबेट। लास्ट क्वेश्चन, राइट इज सिक्वेंस चेक हो द कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस ठीक है, एक कैरेक्टर इनपुट का जिसको तुम्हें बताना है अपर केस लोअर केस, तो पहले इनपुट तो ले लो, जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड, एक अल्फाबेट एंटर करेगा, एंटर कैरेक्टर बोल सकते हो एंटर अल्फाबेट ठीक है, एंटर करेगा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या प्रिंट करेगा प्रिंट इफ
अपर केस, एल्स नहीं तो लोअर केस हो जाएगा। प्रिंट लोअर केस, इसमें देखो अपर केस, ये तो अपर केस वाला कंडीशन है, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लो, लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड, हो गया। नाउ रन, चेक अपर एंड लोअर, ए लोअर केस कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ओनली अल्फाबेट इंटर करना, जी अपर केस, ठीक है। फॉर प्रैक्टिसिंग एमसी क्वेश्चन, ये दोनों वीडियो देख लेना, इफ एल्स का, जहाँ पे इफ एल्स का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।